आज के इस वीडियो में 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाले SUVs के बारे में बात करने वाला हूँ। 2023 की अप्रैल में इन कार्स के कितने यूनिट्स बिके उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नंबर 10th पर है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी 7,742 यूनिट्स बिके हैं पूरे भारत के अंदर अप्रैल के महीने में। एक शोरूम प्राइस लगभग 10,70,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 19,95,000 रुपये तक मिलता है। उसके बाद 9th पर है मारुति के हाल ही में लॉन्च किए गए गाड़ी फ्रॉन्क्स, जिसकी अप्रैल के महीने में 8,784 यूनिट्स बिके पूरे भारत के अंदर। अगर बात करें प्राइजेस की तो लगभग 7.5 लाख रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरियंट 13,14,000 रुपये तक मिलता है एक शोरूम। उसके बाद 8th पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी अप्रैल के महीने में 9,054 यूनिट्स बिके पूरे भारत के अंदर। एक शोरूम प्राइस लगभग 9,62,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 12,24,000 रुपये तक मिलता है। 7th पोजीशन पर है महिंद्रा की ही दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो। ये सेल स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों की ही कंबाइंड सेल है। अप्रैल के महीने में स्कॉर्पियो की 9,617 यूनिट्स बिके हैं पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइसेस की तो स्कॉर्पियो एन की लगभग 13,05,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 24,52,000 रुपये तक मिलता है। और बात करें क्लासिक की तो लगभग 13 लाख रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 17 लाख रुपये तक मिलता है। उसके बाद 6th पोजीशन पर है किया सोनेट, जिसकी अप्रैल 2023 में 9,744 यूनिट्स बिके हैं पूरे भारत के अंदर। एक शोरूम प्राइस लगभग 7,79,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 14,89,000 रुपये तक मिलता है एक शोरूम। उसके बाद 5th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी अप्रैल के महीने में 10,342 यूनिट्स बिके हैं पूरे भारत के अंदर। एक शोरूम प्राइस की बात करें 7,72,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 13,18,000 रुपये तक मिलता है। उसके बाद 4th पोजीशन पर है टाटा पांच, जिसकी अप्रैल के महीने में 10,934 यूनिट्स बिके हैं पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइजेस की तो एक शोरूम प्राइस लगभग 6 लाख रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरियंट 9,47,000 रुपये तक मिलता है। और अब तीसरे पोजीशन पर है वापस से मारुति की गाड़ी ब्रेजा, जिसकी अप्रैल के महीने में 11,836 यूनिट्स बिके हैं पूरे भारत के अंदर। एक शोरूम प्राइस लगभग 8,27,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 14,13,000 रुपये तक मिलता है। सेकंड पोजीशन पर है हुंडई क्रेटा, जिसकी अप्रैल के महीने में 14,186 यूनिट्स बिके हैं पूरे भारत के अंदर। बात करें प्राइजेस की तो लगभग 10,87,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 19,20,000 रुपये तक मिलता है। और अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाले SUV के बारे में, तो वो है टाटा नेक्सॉन, जिसकी अप्रैल के महीने में 15,002 यूनिट्स बिके हैं पूरे भारत के अंदर। एक शोरूम प्राइस तो लगभग 7,80,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 14,35,000 रुपये तक मिलता है। ये था वो 10 SUVs जो अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा बिके हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।